हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। मैंने GKM 7 के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, बट काफी सारी वीडियोस के ऊपर एक ही कमेंट आता है कि ये कैमरा जो है हमारे फोन पे नहीं चल रहा है, हमारे फोन के अंदर कैमरा टू APA नहीं इनेबल है और हम अपने फोन को रूट नहीं करना चाहते। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा गूगल कैमरा लेके आया हूँ जो किसी भी लो एंड डिवाइसेस है उस पर काम करेगा। ना आपको रूट चाहिए, ना आपको कैमरा टू APA चाहिए, ना फोन का बूटलोडर अनलॉक करना है। मेरे पास कोई इस टाइम पे लो एंड डिवाइस नहीं था, बट मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ वो APK फाइल शेयर की है। उसने वीवो और ओप्पो के जो फोन्स होते हैं बिटवीन 5 to 10,000 के अराउंड के आसपास, उनके अंदर वो परफेक्टली काम किया। सभी फीचर्स तो आपको नहीं मिलते हैं, बट गूगल कैमरा परफेक्टली इसके अंदर काम करता है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम अपने फोन के अंदर एक गूगल कैमरा यूज करें। ये है गूगल कैमरा गो। इसके अंदर आपको सारे फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, बट ये जो लो एंड डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें कैमरा टू API की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही रूट की, ना ही अनलॉक करने की। इसमें आपको कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलते हैं, जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी, नाइट साइड मोड, ये तो नहीं मिलता है। बट गूगल कैमरा के कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे फोटो मोड तो आपको मिलता ही है जिसमें आप जूम वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है गूगल कैमरे का, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, जिसके अंदर आप जूम भी कर सकते हैं और उसके में आप ब्राइटनेस वगैरह को भी इसके अंदर कम कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ ऑप्शन तो आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड में मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर आपको कुछ मेनूज देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सेटिंग्स में जाके आप इसकी फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर को सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको फेस इनहेंस का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो है पूरी की पूरी चीज़ें आपको बताता है कि आपके फ़ोन के अंदर जो है कितनी फोटोज जो है कैप्चर हो सकती हैं, जैसे कि दिखा रहा है 14676 फोटोज जो है अभी हम कैमरे के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। आपको इसके अंदर वीडियो मोड भी मिल जाता है, वीडियो मोड भी परफेक्टली काम कर रहा है। उसके अंदर भी आपको ये बताता है कितने मिनट्स तक आप अपने फ़ोन के अंदर वीडियो के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में आपको एक ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज की कोई भी क्लिप हो या कोई भी पेपर हो उसके ऊपर फोकस करके उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको इसके अंदर चार ही मोड देखने को मिलते हैं, ट्रांसलेट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड। बाकी जो ऑप्शन होते हैं जैसे स्लो मोशन, नाइट साइट, एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड, वो इसमें काम नहीं करते हैं, क्योंकि लो एंड डिवाइसेस जो है उन फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाता, यानी कि उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए जो है एक नया कैमरा निकल गया है उन लो एंड डिवाइसेस के लिए जिनके फ़ोन के अंदर कैमरा टू API इनेबल नहीं है और साथ ही साथ जिसके अंदर वो GKM 7.0 या GKM 7.3 को नहीं कर पाते। तो ये नया कैमरा निकल गया है गूगल कैमरा को, जिसको हमने इंस्टॉल कर रखा है। मैंने इसको वीवो और ओप्पो के जो फ़ोन है उनके ऊपर टेस्ट किया है और कुछ मी के जो छोटे फ़ोन होते हैं S2 वगैरह उन पर टेस्ट किया है, उन पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस APK फाइल को डाउनलोड कर लेना है और सिंपली जो है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ये वो APK फाइल है कैमरा गो की, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है यानी ये कैमरा आपके फ़ोन के ऊपर परफेक्टली रन करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन कर देता हूँ उसको। ये देखिए ओपन करते आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आता है जिसमें पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और ट्रांसलेशन मोड ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर अब तक आपके फोन पे कोई गूगल कैमरा काम नहीं कर रहा था तो आपको इस कैमरे को ट्राई जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।